हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक मिस्ट्री। आज की वीडियो में हम पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायोड पढ़ेंगे। हियर फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पैरेलल डायोड्स का। सर्किट में पैरेलल डायोड्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। डिटरमाइन वी नॉट आई वन आई डी वन एंड आई डी टू। इस सर्किट में डायोड वन एंड डायोड टू पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की है विद सीरीज रेजिस्टेंस आर। हम अज्यूम करते हैं डायोड्स बोथ डायोड्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे दोनों सिलिकॉन डायोड हैं और 0.7 वोल्ट इनका डायोड वोल्टेज है। करंट आई वन, टोटल करंट आई वन फ्लो हो रहा है। यहां पर करंट आई वन एंड आई टू इन सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस कंडीशन में बोथ डायोड विल वर्क, यानी जो वोल्टेज लेवल इनका रहेगा 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट। हम इस सर्किट को या डायोड को एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर दोनों डायोड को वोल्टेज बैटरी से रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट। दोनों डायोड पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन में द बेसिक रूल्स ऑफ नेटवर्क, तो जो दो एलिमेंट जब पैरेलल में होते हैं तो सेम वोल्टेज होता है। तो हियर हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, तो भी आउटपुट वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। भी आउटपुट वोल्टेज हमें यहां से मिल गया 0.7 वोल्ट होगा। यहां पर करंट आई वन फाइंड करेंगे। करंट आई वन है दिस, यहां से जो जाने वाला करंट आर वी आर दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। तो आई वन इज इक्वल टू होगा वी आर वोल्टेज अपॉन आर। तो वी आर वोल्टेज रहेगा टोटल वोल्टेज ई माइनस वी डी वोल्टेज अपॉन आर। यहां पर टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, डायोड वोल्टेज 0.7 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है 0.33 किलो ओम। तो जो वैल्यू आएगी 28.18 मिली एम्पियर। तो यहां पर हमने आई वन फाइंड किया है जो कि 28.18 मिली एम्पियर टोटल करंट सर्किट से ड्रॉ हो रहा है। हमने सर्किट में एज्यूम किया था बोथ डायोड आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो इनसे फ्लो होने वाला करंट पैरेलल में है तो फ्लो होने वाला करंट भी बराबर होगा। तो आई डी वन इज इक्वल टू आई डी टू एंड टोटल करंट है आई वन। तो आई वन डिवाइडेड बाय टू 28.18 डिवाइडेड बाय टू, सो ये आएगा आंसर आपका 14.09 मिली एम्पियर ईच डायोड से करंट ड्रॉ करेगा। इस एग्जांपल की हेल्प से डायोड की कॉन्फ़िगरेशन समझी जो कि पैरेलल में है। यहां पर देखा कि जब दोनों डायोड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो सेम करंट फ्लो करेगा। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन का रीजन क्या है कि हम यहां पर दो डायोड पैरेलल में लगा रहे हैं। एक डायोड से भी काम चल सकता था सर्किट में, बट दो ही डायोड पैरेलल में क्यों लगाए, इसका पर्पस हम समझते हैं। रीजन फॉर प्लेसिंग डायोड इन पैरेलल कंडीशन, इफ द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड इज 20 मिली एम्पियर ऑफ 28.18 मिली एम्पियर वुड डैमेज द डिवाइस। तो अगर करंट का रेटिंग 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम है और यहां पर अगर सिंगल डायोड होता है
सिंगल डायोड होता है तो 28 पॉइंट इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 28.18 मिली एम्पीयर करंट ड्रॉ होगा एक सिंगल डायोड से, तो इट वुड बी डैमेज अवर डायोड। तो यहां पर इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज को बचाने के लिए, वी विल प्लेस टू डायोड्स इन पैरेलल, डायोड वन एंड डायोड टू। तो यहां पर करंट जो आई वन करंट है वो डिवाइड हो जाएगा 14.09 मिली एम्पियर में, जो कि 20 मिली एम्पियर से काफी कम है, जो 14.09 मिली एम्पियर एक सेफ वैल्यू है एज कम्पेयर टू 28.18 मिली एम्पियर। 28.18 मिली एम्पियर जो करंट रेटिंग है डायोड की उसको एक्सीड करता है, तो इट्स डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम डायोड विल डैमेज। यहां पर 14.09 एक सेफ वैल्यू है, सेफ वैल्यू ईच डायोड से, एक डायोड से 14.09 मिली एम्पियर फ्लो करेगा। यहां पे करंट हमने डिवाइड कर दिया, 28 पॉइंट से 14.09 मिली एम्पियर डिवाइड कर दिया। फ्लो ऑफ करंट है सर्किट में वो डायोड की करंट रेटिंग से ज्यादा है, तो हम दो डायोड यूज कर सकते हैं पैरेलल में जिससे कि करंट डिवाइड हो जाएगा।